हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपीबीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपको नहीं पता है कि मॉप अप राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग की जाती है, कैसे करना है, क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट में राउंड वन में राउंड टू में चॉइस फिलिंग की थी और आपको कोई भी सीट ना मिली हो। मुझे यकीन है जिस प्रकार से मैंने राउंड वन में राउंड टू में बच्चों की चॉइस फिलिंग में मदद की थी, मैं आपकी भी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारी भी हेल्प करें चॉइस फिलिंग में, कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं ताकि हमें कॉलेज मिल जाए। हमने पार्टिसिपेट किया था लेकिन हमें कोई भी सीट नहीं मिली, तो एक बार आप हमें हेल्प कर दीजिए। तो मुझे आइडिया है कि क्यों ना वीडियो बना करके बताया जाए ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। अगर आप नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर यूपीबीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सब सारी की सारी आपको सही समय पर देखने को मिलेगी। इस टोटल वीडियो में हम जानने वाले हैं इस तरह से अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हो तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन और कम नंबर पर एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, मार्क्स आए हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड स्टेटस लिख करके आ रहा है आपके स्कोर कार्ड में, उस केस में आपको क्या करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया है कि सीट मैट्रिक्स कैसे देखी जाती है वगैरह वगैरह, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हो सीट मैट्रिक्स की वीडियो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, चाहो तो आप स्पीड करके देख लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले कमेंट मत करना। ठीक है, कमेंट मत करना, सबसे पहले वीडियो देखना, फिर समझना आए तब कमेंट करना। फिर भी कमेंट से रिप्लाई आपको ना आए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको देखनी होगी आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो कहाँ है। सीट मैट्रिक्स कहाँ से देखी जाती है, मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि सीट मैट्रिक्स कैसे देखी जाती है। सीट मैट्रिक्स देखने के लिए आपको अपने पोर्टल में आ जाना है, जहाँ से आप अपना रिजल्ट वगैरह देखते थे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सीट मैट्रिक्स मॉप अप राउंड पोस्ट रेजिग्नेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये वाला पोर्टल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, और एक थोड़ा सा जो ऑलिव ग्रीन टाइप का शेडेड पोर्शन लगा हुआ है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। बाकी अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे यहाँ पर जो व्हाइट बैकग्राउंड से हैं ये सारी की सारी प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देख पाओगे किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एसएन नर्सिंग कॉलेज ऑफ आगरा की बात करें तो यहाँ पर 6 अनरिजर्व है, टोटल 16 सीटें हैं। वहीं पर महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, उसमें 10 सीटें खाली हैं। उसके बाद अगला जो कॉलेज है उसमें 12 सीटें खाली हैं, 6 सीटें खाली हैं, 17 सीटें खाली हैं, 15 सीटें खाली हैं। और यहाँ पर शहरों के नाम लिखे गए, आगरा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बदौन, बहराइच, बांदा, बस्ती, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और यहाँ से आप अपना फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। और ऐसा स्किप मत करना इस चीज़ को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि इस मॉपअप राउंड में, जो मॉपअप राउंड हो रहा है उसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पार्टिसिपेट कौन कौन सा स्टूडेंट कर सकता है, कौन कौन सा नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे टोटल 5 तरीके के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। सबसे पहला, यहाँ पे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ बता दूंगा, ओरली सुन लेना। सबसे पहला वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या? किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन वो राउंड वन हो, राउंड टू हो, नहीं पार्टिसिपेट किया, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप सिर्फ क्या सिर्फ क्वालिफाई होने चाहिए। जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वीडियो ज़रूर पूरा देखना। सबसे पहले ऑल स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेट नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड वन एंड राउंड टू, दे कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। ठीक है, हो गया। अभी वो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था राउंड वन में, राउंड टू में, लेकिन उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली थी, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथा वो बच्चे, तीसरा वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया, राउंड वन में सीट में मिली हो या राउंड टू में सीट में मिली हो और उन्होंने सीट को रिज़ाइन कर दिया, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथा वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट मिली तो थी लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया या फिर कॉलेज में जाकर के वो रिपोर्टिंग नहीं करा पाए, वो सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा अभी तक सारे स्टूडेंट्स को। जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, देखो नॉट क्वालिफाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट क्वालिफाइड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा राउंड का। एक्स्ट्रा राउंड सितंबर में होगी, उससे पहले नहीं होगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। क्या बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है? बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट, साथ ही साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या नर्सिंग कॉलेज की। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 149 प्लस मार्क्स हैं तो फिर आप एलिजिबल हो कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ। वहीं पर अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 145
प्लस अगर मार्क्स हैं आपके तो फिर आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही साथ में अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 129, एसटी कैटेगरी से हो तो 119, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हो तो 147 मार्क्स प्लस अगर आप हैं तो फिर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ध्यान रखना 2 से 3 मार्क्स का अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, ये करेक्ट डेटा नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। और हालांकि एक्सपेक्टेशन सही हो जाती है, बस 2-3 नंबरों का फ़र्क रहता है। अब देखो आप लोग ये देख लेना आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। और वहीं पर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में वो सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो क्वालिफाइड हैं। क्या जो क्वालिफाइड हैं? अब जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं, वो किसी भी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इससे थोड़े थोड़े नंबर कम होंगे, 130 नंबर होंगे, 122 नंबर होंगे, 120 नंबर होंगे, उन्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि अब उनको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। उसके पास फिर दो ही ऑप्शन बचे हैं। क्या दो ही ऑप्शन बचे हैं? पहला ऑप्शन वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, और दूसरा वो अगले साल की प्रिपरेशन करें। प्राइवेट कॉलेज में आप तभी एडमिशन ले पाओगे अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तभी ले पाओगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको चाहिए, क्या गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए आप, चाहे नॉट क्वालिफाइड हैं चाहे कम मार्क्स हैं, तो फिर आप हमारा एक्सक्लूसिव आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीपीएससी नर्सिंग 2024 की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसके कुछ बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे, लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, डीपीबीज मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, साथ साथ में आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहां पर हम आपसे कोई भी बातें कर सकेंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर पाओगे, जो फीचर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता। टारगेट गुरुकुल के इस मोबाइल ऐप पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताना या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर देना। अब लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ थी जिसके बारे में आप इतना देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपको क्या बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपनी, तो देखो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सीट मैट्रिक्स दिखाया था, सीट मैट्रिक्स में देखा होगा आपने बहुत सारे नाम लिखे होंगे, बहुत सारे शहरों के, बहुत सारी सीटें लिखी होंगी, भाई इस शहर में इतनी सीटें खाली, इस शहर में इतनी सीटें खाली हैं। तो देखो सबसे पहले उस सीट मैट्रिक्स को खोल लेना है, उस सीट मैट्रिक्स में अपना चूज़ योर सिटी। सिटी चूज़ करने का मतलब ये नहीं कि अगर आप आगरा में रहते हो तो सिर्फ आगरा चूज़ करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास जाना, उनसे पूछना मम्मी पापा कि मुझे कौन से स्टेट्स, सॉरी यूपी के कौन कौन से स्टेट्स में जाने की परमिशंस हैं, कौन कौन से सिटी में जाने की परमिशन है। लाइक मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई कॉलेज भर दें जो ऐसी शहर में हो जहां पर आप ना जा पाओ, आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, या फिर वहां का रहने का जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा हो। तो इससे पहले अपने पेरेंट्स से सबसे पहले बात करो कि हम कौन कौन से सिटीज़ में जा सकते हैं। आपके पेरेंट्स जब आपको सिटी बता देंगे कि भाई आप कानपुर जा सकते हो, लखनऊ जा सकते हो, आगरा जा सकते हो, इन शहरों में जा सकते हो, तो आप इन्हीं तीनों शहरों को सेलेक्ट करना। आप अपने अकॉर्डिंग्स अपने शहरों को सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर लेना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा शहर को सेलेक्ट करना, ताकि आपको चांसेस बढ़ जाएं कॉलेज मिलने का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ये जो तरीका है वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चूज़ योर सिटी करना है। जैसे आप चूज़ योर सिटी कर लोगे, फिर आपको सीट मैट्रिक्स ढूंढना है कि सेलेक्ट कॉलेजेस इन सेलेक्टेड सिटी। आप उस सीट मैट्रिक्स खोलो, उसमें देखो कि उन शहरों में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या है उन शहरों में कौन कौन से कॉलेज हैं। और याद रखना उन शहरों में जितने कॉलेज हैं सबको सेलेक्ट करना, कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। थर्ड देखना है अरेंज सीट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उन शहरों में जितनी भी सीटें हैं कॉलेज में, आपको बताया था सीट्स कैसे दिखनी है, यहाँ पे बताया था, याद होगा आपको, नहीं भी याद है तो आप बैक करके देख लेना। उन शहरों में कितनी सीटें हैं उनके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉलेजेस को रखना है, यानी कि जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट हैं उस कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है, उससे कम सीटें हैं उससे थोड़ा सा नीचे रखना है, थोड़ा सा नीचे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट आपको प्रिपेयर करा लेनी है अपनी कॉपी पे। फाइनली फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज एंड गेट एडमिशन टू नर्सिंग कॉलेज, यानी कि उसमें आप जितने भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं ना, आप कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज फिल कर पाओ। क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज फिल करो, आपके फॉर्म में अगर 40 फॉर्म कॉलेज फिल हो रहा है तो आप 40 फॉर्म फिल करो, 50 हो रहे हैं तो 50 फिल करो, 60 हो रहा है तो 60 करो, ठीक है। कोशिश करना सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को 15 से 20 फिल करना, फिर प्राइवेट फिल कर देना, क्योंकि अगर हो सकता है गवर्नमेंट ना मिले तो आपको प्राइवेट ही मिल जाए, ठीक है। और जिनके मार्क्स कम है वो ऐसा करना, थोड़े कम है, और जिन स्टूडेंट्स के सेम एज इट इज़ जो मार्क्स हैं मैंने बताए उसी अकॉर्डिंग है, कम जरा भी नहीं है, तो फिर आप सिर्फ गवर्नमेंट के फिल करना। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनके मीडियम में मार्क्स हैं, क्या मीडियम मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, 125 120 के आसपास हैं,
वो प्राइवेट कॉलेज फिल करो, लेकिन साथ साथ में नीचे कुछ आपने गवर्नमेंट कॉलेज भी डाल देना, हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपके पास चार स्टेप है। पहला स्टेप है चूज योर सिटी, ताकि आप जॉन जिस जिस शहर में जा सकते हो परमिशन लेके घर वालों से बना लो, ठीक है। आप क्या करो, उन शहरों में कितने कॉलेज हैं उनकी लिस्ट बना लो। उसके बाद तीसरे नंबर पे उन शहरों में जितने कॉलेज हैं उन कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये पता करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन सीट्स को लगाओ कॉलेजेस को। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, अपने प्रेफरेंस लिस्ट में चॉइस फिलिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस को फिल करो, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी बात है जो मैंने नहीं बताई या बताना चाह रहा था छूट गई, या फिर अगर आपका कोई डाउट रह गया है जो हमने नहीं बताया, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कोर्स से भी जुड़ना चाहते हो उसका लिंक भी, टारगेट गुरुकुल का ऐप का भी लिंक, सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।